नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब की आज शुक्रवार 3 अप्रैल की खास खबरें। कोरोना वायरस के संकट और चिंता के बीच श्री गंगानगर से एक राहत भरी खबर आई है। चिकित्सा प्रशासन ने बुधवार को 17 जनों के संदिग्ध पाए जाने पर उनके स्वास्थ्य की जांच कर सैंपल लिए और बीकानेर भेजे। राहत वाली बात यह है कि सभी 17 जनों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। नई दिल्ली के मरकज से निकले तबलीगी जमात ने राजस्थान को कोरोना वायरस के नए खतरे की तरफ धकेल दिया है। महज 2 दिन में ही राजस्थान के 5 नए जिलों में कोरोना ने दस्तक दे दी है और 2 ही दिन में प्रदेश में 20 नए रोगी मिल चुके हैं। चिंता की बात यह भी है कि श्रीगंगानगर से 13 और हनुमानगढ़ से 18 लोग जमात में गए थे। श्रीगंगानगर प्रशासन को पता चला है कि नई दिल्ली के साथ कई अन्य शहरों में भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम हुए थे। गुरुवार देर रात संदिग्ध रोगियों की संख्या 55 तक बढ़ गई। इन्हें चिंतलागिया धर्मशाला में भर्ती कराया गया है। इनमें 14 के सैंपल लिए गए हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। श्रीगंगानगर में जिला अस्पताल की रैपिड रिस्पांस टीम के डॉक्टर देवकांत व स्टाफ ने चिंतलांगिया धर्मशाला में जाकर जमात में शामिल लोगों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग की। CMHO डॉक्टर गिरधारीलाल मेरड़ा ने बताया कि 14 दिन तक आइसोलेट रखकर उनके लक्षण को देखा जाएगा। यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति ट्रैवल हिस्ट्री व उससे मिलने वालों की जानकारी जुटाई जाएगी। श्रीगंगानगर के केंद्रीय कारागार से पैरोल पर छूटा बंदी फरार हो गया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव 20F निवासी रामस्वरूप नायक केंद्रीय कारागार में सजा काट रहा था। उसे 31 मार्च तक पैरोल मिली थी, लेकिन अवधि पूरी होने के बाद उसने उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। पुलिस ने जेलर की रवि कुमार की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में वार्ड नंबर 8 निवासी राजकुमार बदवा ने मकान पर पुलिस ने दबिश देकर 11 व्यक्तियों को ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी अलका बिश्नोई ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 8 में जुए का अड्डा चल रहा है। इस पर पुलिस ने मकान पर छापा मारा और वहां से सुभाष अरोड़ा, राजकुमार अरोड़ा, राजपाल खत्री, मुकेश अग्रवाल, गौरव अरोड़ा, उमाशंकर अग्रवाल, हितेश अरोड़ा, संजीव अग्रवाल, प्रदीप कुमार अरोड़ा, राजू थानक, हरीश सोनी को गिरफ्तार कर इनसे 1,50,000 सहित गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर ने कहा कि होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष 24 घंटे काम करेगा। क्वारंटाइन व्यक्ति घर से बाहर घूमता है तो इसकी सूचना उपखंड स्तर पर संचालित नियंत्रण कक्ष को देनी होगी। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन के दौरान राशन के लिए झूठी शिकायतें की जाने लगी हैं। सुरजीत सिंह कॉलोनी और गुरु नानक बस्ती से राशन नहीं मिलने, भूखा मरने की शिकायत पर रसद विभाग की टीम हकीकत जानने को पहुंची तो उक्त शिकायत झूठी पाई गई, क्योंकि घर में गेहूं, आटा, प्याज, आलू तथा अन्य खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इस पर शिकायत करने वालों को टीम ने भविष्य में झूठी शिकायतें नहीं करने के लिए पाबंद किया। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन की पालना को लेकर अब लोग जागरूक होने लगे हैं। जिला मुख्यालय पर फल सब्जी मंडी में आज इसका व्यापक असर देखने को मिला। सुबह 8:30 बजे तक मंडी में पूरी तरह सन्नाटा छा गया, क्योंकि मंडी में आने वाले व्यापारियों, रेहड़ी वालों व अन्य उपभोक्ताओं को मंडी से बाहर कर दिया। कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा घुड़सवार पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। फल सब्जी मंडी के अलावा शहर के मुख्य बाजारों, मार्गों और गलियों में भी सन्नाटा छाया रहा। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के अलावा साधुशहर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसेनगर, गस्तिंगपुर, अनूपगढ़, घटसाना, रावला, सूरतगढ़, केसरी सिंहपुर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं। अफवाह फैलाने वालों और लॉकडाउन की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। राशन वितरण के अनियमितता बरतने पर हनुमानगढ़ जिले में 2 राशन डिपो होल्डर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। DSO सुनील कुमार घुड़ेला ने बताया कि वार्ड नंबर 33 स्थित दुकानदार राजकुमार भीमचंद व पीलीबंगा तहसील के गांव ठाकुरवाला में दुकानदार मदनलाल भगवानाराम का लाइसेंस निलंबित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद न होने के बावजूद कोई किसी संस्था व प्रशासन से राशन किट लेता है या सहायता नहीं मिलने की शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया उपखंड अधिकारी मांगीलाल ने बताया कि इस तरह के लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा गांव में एक
आरएमपी डॉक्टर की पत्नी को बाहर से लौटने के कारण 25 मार्च से 8 अप्रैल तक होम क्वारंटाइन में रखा था। इस परिवार के कुल 5 सदस्य हैं, जिन्हें डॉक्टर सज्जन बांबू ने बुधवार को तलवाड़ा से लेकर हनुमानगढ़ तक रास्ते में आने वाले सभी नाकों में तलवाड़ा एसएचओ, टीबी बीसीएमओ सहित अन्य पुलिसकर्मियों को मास्क बांटे। इससे होम क्वारंटाइन की निगरानी पर भी सवाल उठने लगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिक्योरिटी कम किए जाने की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा, मैंने पंजाब के डीजीपी से मेरी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों और ऐसे ही अन्य सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को छांट कर पंजाब के अलग अलग जिलों में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लगाने को कहा है। हम सभी को इस जंग को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने तय किया कि कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों को चंडीगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में न रखकर पीजीआई चंडीगढ़ के एक अलग ब्लॉक में आइसोलेशन वार्ड बनाकर रखा जाए। पीजीआई के रेजिडेंस डॉक्टरों ने यूटी चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले पर एतराज़ जताया है। डॉक्टरों ने कहा, इससे मेडिकल स्टाफ और उनको शिफ्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट चलाने वालों को भी संक्रमण का खतरा रहेगा। पंजाब पुलिस कर्फ्यू नियमों की पालना न करने वालों और फर्जी खबरें फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करेगी। इसके लिए राज्य में 21 ओपन जेलों की स्थापना की गई है। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने नियमों को तोड़ने वाले 600 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कर्फ्यू की उल्लंघना करने पर 200 FIR दर्ज की है। उन्होंने फर्जी खबर फैलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए एक विशेष टीम का गठन की घोषणा की है। श्री हरिमंदर साहिब के पूर्व हजूरी रागी पद श्री निर्मल सिंह खालसा का प्रशासन ने काफ़ी जदोजहद के बाद रात 8 बजे शुक्रचक में अंतिम संस्कार कर दिया। इससे पहले वेरका के नज़दीक एक गांव में निर्मल सिंह का अंतिम संस्कार करने का जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई थी, लेकिन एक स्थानीय नेता व जनता की तरफ से इसका भारी विरोध किया गया, जिसके चलते प्रशासन ने वेरका का इलाका छोड़ दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।